हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती भारद्वाज मेडिकल लैब टेक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहे हों। एज वो पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्लड, वो चाहे MLT हो, फिजियोथेरेपी हो, ऑप्टोमेट्री हो, रेडियोलॉजी हो। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड क्या होता है। ब्लड सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्लड का इंट्रोडक्शन। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूड फॉर्म। जो ब्लड होता है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि फ्लूड फॉर्म में होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फ्लूड ऑफ लाइफ। इसको हम फ्लूड ऑफ लाइफ कहते हैं, क्यों? बिकॉज इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ये जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है लंग्स से लेके पूरी बॉडी तक पहुँचाते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द लंग्स। जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको पूरे बॉडी पार्ट से लेके लंग्स तक पहुंचाते हैं। इट इज़ नोन एज फ्लूड ऑफ ग्रोथ। ये फ्लूड ऑफ ग्रोथ भी कहलाता है क्योंकि इट कैरी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हॉर्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके बाकी के बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। एंड देन इसको हम फ्लूड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। फ्लूड ऑफ हेल्थ हम इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनवांटेड सब्सटेंस। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं डिफेंस में वर्क करती हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करता है बॉडी में से। अब इसके हम पढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कलर। ब्लड इज़ अ रेड इन कलर। आर्टरी ब्लड इज स्कारलेट रेड बिकॉज इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन, एंड वीनस ब्लड इज़ पर्पल रेड बिकॉज मोर कार्बन डाइऑक्साइड। जो आर्टरी ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो स्कारलेट रेड, इट मीन्स थोड़ा डार्क रेड कलर का होता है। और जो हमारा वेनस ब्लड होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होता है, पर्पलिश रेड होता है। सेकेंड है इसका वॉल्यूम कितना होता है। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट इज़ 5 लीटर। जो नॉर्मल एडल्ट के अंदर हमारे ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, 5 to 6 लीटर होता है। इन अ न्यूबॉर्न बेबी द वॉल्यूम इज 450 ml। इट इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रीच इज 5 लीटर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इन फीमेल इट इज़ स्लाइटली लेस एंड इज़ अबाउट 4.5 लीटर। ये फीमेल्स में कम होता है। इट इज़ अबाउट 8% ऑफ बॉडी वेट इन नॉर्मल यंग हेल्थी अडल्ट वेइंग अबाउट 70 kg। ये एक नॉर्मल अडल्ट होता है उसकी बॉडी का 8% होता है। अब हम इसका pH पता करते हैं कि ब्लड का pH क्या होता है। ब्लड का pH जो होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, 7.4 होता है ब्लड का pH। सेकेंड है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड होता है जिसमें RBC, WBC सब कुछ प्रेजेंट होते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.052 to 1.061। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल्स। जो खाली ब्लड की सेल्स होती हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1.092 to 1.101। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा है 1.022 to 1.026। विस्कोसिटी, ब्लड इज़ 5 times मोर विस्कस देन वाटर। जो ब्लड होता है हमारा 5 times विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। सेकेंड है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड कंटेन्स द ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड लिक्विड पोर्शन नोन एज प्लाज्मा। ब्लड जो दो पोर्शन से मिलकर बना होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड लिक्विड पोर्शन। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड सेल्स होती हैं और लिक्विड पोर्शन ब्लड प्लाज्मा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा। अब इसमें एक टेबल दे रखी है, उसमें प्लाज्मा की हमें कंपोजिशन दी हुई है। प्लाज्मा के अंदर सॉलिड होता है 7 to 8% और वाटर होता है 92-93% और गैसेज होती हैं। हमारे अंदर प्लाज्मा के अंदर जो सॉलिड है उसमें क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं। ऑर्गेनिक में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज है, फैट्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, इंटरनल्स,
सेक्रेशंस हो गए, हॉर्मोन्स हमारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स में बहुत सारे एंजाइम्स के एग्जांपल दिए गए हैं नीचे, अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एसिड फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइपेज है, एस्ट्रेज है, प्रोस्टेज है और ट्रांसएमिनेज है। इसके नेक्स्ट है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनस सब्सटेंस, अमोनिया, क्रेटिनिन, क्रेटिनिन, जैंथीन हो गया, हाइपोजैंथीन हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड एंटीबॉडीज़। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, कॉपर, आयरन, आयोडीन, फॉस्फेट, क्लोराइड। गैसेस में गैसेस होती है हमारे अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर, वाटर होता है 92-93%। नेक्स्ट है इसके अंदर ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स हमारे इसमें थ्री टाइप्स सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड। तीन तरीके की ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा होता है, जो स्ट्रॉ कलर होता है उसका, पेलिश पेलिश कलर होता है उसका, इट इज़ कंटेन्स 91% to 92% वाटर, 8% to 9% सॉलिड। सॉलिड्स आर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो हम पिछली टेबल में देख चुके हैं, जो सॉलिड्स होते हैं 8% to 9% होते हैं और वाटर 92-93-91% तक होता है। उसके बाद सीरम क्या होता है? यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सीरम और प्लाज्मा में। ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बता ही नहीं पाते हैं कि सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या होता है। सीरम होता है हमारा, सीरम इज़ द क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूड दैट ओजेस फ्रॉम ब्लड क्लॉट। सीरम क्या होता है? बेसिकली हम सीरम को कह सकते हैं सीरम इक्वल प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। बेसिकली सीरम के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर होती है, बस इसमें बेसिक मेन डिफरेंस क्या है, जो फिब्रिनोजन होती है उसको अगर रिमूव कर दिया जाए, जो क्लॉटिंग क्लॉटिंग में हेल्प करती है, फिब्रिनोजेनिक हमारी प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन, अगर फिब्रिनोजन को हम प्लाज्मा में से रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सीरम। अब हमारे इसके बाद दिया हुआ है फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं। जो ब्लड के फंक्शंस होते हैं, ब्लड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इसका न्यूट्रिटिव फंक्शन। अब पॉइंट से समझ आ जाएगा आपको न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड विटामिंस डिराइव्ड फ्रॉम डाइजेशन डाइजेस्टेड फूड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक एंड कैरिड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जितने भी हम फूड में न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हम खाने में खाते हैं चीज़ें, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा ब्लड उनको स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है और सारे टारगेट रीजन्स पे पहुंचाता है, पूरे बॉडी में उनको सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फंक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज डन बाय द ब्लड। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई ऑफ लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वोलाई। ये एल्वोलाई से ऑक्सीजन ले जाता है और वहाँ बॉडी पार्ट से एल्वोलाई तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचाता है। उसके बाद है थर्ड एक्सक्रीटरी फंक्शन। वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द टिश्यू ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर रिमूव्ड बाय ब्लड एंड कैरी टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी, स्किन, लिवर एटसेट्रा फॉर एक्सक्रीशन। इसमें क्या, एक्सक्रीटरी फंक्शन में जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती है उसकी ड्यूरेशन में क्या होता है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड हो गई, बहुत सारे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, तो वो क्या होता है, बॉडी ब्लड हमारा उनको रिमूव करवाता है बॉडी से, तो उनके कहाँ ले जाता है, किडनी। किडनी क्या करेगी, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यूरिन के थ्रू उनको पास आउट करती है। स्किन क्या होती है, स्वेट के फॉर्म में उनको एक्सक्रीट आउट करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। मैंने पहले ही बताया था हॉर्मोन्स विच आर सीक्रेट बाय डक्टलेस ग्लैंड। जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो इनको सीक्रेट करती हैं, तो उनको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड। द ब्लड ट्रांसपोर्ट दीज हॉर्मोन्स टू द टारगेट ऑर्गेनाइजेशन। ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। जो हमारा ब्लड होता है वो वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है बॉडी में। वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड इज फ्रीली इनचेंजेबल विद इंटरस्टिस फ्लूड्स। इट है दिस हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट टू द बॉडी। ये क्या करता है, बॉडी में जो वाटर का लेवल होता है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है।
रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जो बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस होता है, बफरिंग एक्टिविटी होती है वो, उसमें भी कौन हेल्प करता है, हमारा ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफरिंग एंड हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होगा कि बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस कौन करता है, दूसरे सब बच्चों को यही पता है, पता होता है कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में रेड कलर होता है, जो हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है आरबीसीज़ को। बट ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है हीमोग्लोबिन का, कि हीमोग्लोबिन बफरिंग करता है बॉडी में, एसिड बेस को बैलेंस करता है बॉडी में। उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड, इट्स रिस्पॉन्सिबल टू फॉर मेंटेन थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी दैट इज़ बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट गेन ऑफ द बॉडी। अगर हम बहुत तेज़ भागते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है तो हमारी बॉडी एकदम हीट हो जाती है उस कंडीशन में, या हमारा बीपी लो होता है तो हमारी बॉडी बहुत ठंडी पड़ जाती है। तो टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है, ये भी हमारा ब्लड ही करता है। उसके बाद है स्टोरेज फंक्शन। वाटर एंड सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम एंड कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाई टिश्यूज, ब्लड सर्व्स एज द रेडीमेड सोर्स फॉर दीज सब्सटेंसेज। जो ब्लड क्या होता है, एक रेडीमेड सोर्स होता है इनके अवेलेबल करवाने के लिए। कई बार क्या होता है, हम फास्टिंग कंडीशन में खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी को ये सब्सटेंस मिलते नहीं है, तो ये कहाँ स्टोर होते हैं, जाके ब्लड के अंदर। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है फास्टिंग कंडीशन में, तो ब्लड हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद है डिफेंस फंक्शन। ब्लड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी, द वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफेंस फंक्शन। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स इंगल्फ द बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, ईओसिनोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड डिसइंग्रिटेशन ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, जो इनके ब्लड के फंक्शन है इनके बारे में डिटेल चैप्टर भी हैं आगे, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक लास्ट फंक्शन और बचता है इसका, ब्लड कोगुलेशन। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो हमारी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं उनका क्या फंक्शन होता है, वो ब्लड को क्लॉट करती हैं। जो ब्लड का क्लॉटिंग मैकेनिज्म चलता है वो किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉसिबल होता है प्लेटलेट्स की वजह से। तो ये भी एक ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जब भी हमें कहीं इंजरी होती है, हैवी ब्लड लॉस होता है, तो उसको कौन प्रिवेंट करता है, ब्लड। थैंक यू। अगर कोई किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके जो आगे और टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।